क्या फर्क लगता है आपको उनकी क्रिकेट में, उनके सिस्टम में आईपीएल के और हमारे सिस्टम में? इसमें कोई शक नहीं है कि मैंने भी आईपीएल देखी है, मैं भी पीएसएल बड़े गौर से देखता हूँ। फर्क आ गया है पिछले 6-7 सालों में, फर्क आ गया है। उन्होंने बड़ा पैसा लगाया बीसीसीआई ने। आईपीएल इज द बिगेस्ट क्रिकेट टूर्नामेंट इन द वर्ल्ड। आईएमएफ से लोन ले लो, ठीक है, और आईपीएल का मुकाबला कर लो। यहाँ पे जो बाकी लीग्स के थके प्लेयर है ना, वो पीएसएल में आते हैं। यार मैच जो है वो सीएसके वाले जीत सकते थे, लेकिन इस मैच में एक और बड़ा रिकॉर्ड बनाया भाई कि 50 करोड़ लोगों ने जियो सिनेमा पे इस मैच को लाइव देखा है। आप अंदाजा लगा लें कि एक एप्लीकेशन के ऊपर 50 करोड़ लोग एक मैच को लाइव देख रहे हैं, तो उस मैच की क्या अहमियत होगी और उस लीग की क्या अहमियत होगी भाई। मान गए बीसीसीआई को, मान गए इंडिया को। पता चल रहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी इंटरटेनिंग लीग शुरू हुई है, सबसे बड़ा क्रिकेट का ब्रांड शुरू हुआ है। आईपीएल और पीएसएल का बहुत ज्यादा कंपैरिजन किया जाता है। कुछ घंटे पाकिस्तानी जुवेद मियादार तरह के लोग जो है वो बैठ के बकवास करते हैं टीवी के ऊपर बैठ के, जी पीएसएल जो है वो बड़ा बेहतरीन है, बाहर न जाए आईपीएल, ये करे वो करे। उन घंटों को मैं भी जवाब देने लगा हूँ। आईपीएल जो आपका अब्बू है ना, ऑफिशियली अब्बू है जो आपका आईपीएल, वो व्यूअरशिप में आपके पीएसएल को ना मतलब उकात में नहीं रखता। यस क्लियरली अब आईपीएल खेलना चाहते हैं लोग, और अनफॉर्चुनेटली फीफा तो वहां पे गवर्निंग बॉडी थी, तो वो वर्ल्ड कप करवा लेती है हर 4 साल के बाद। इनको लाले पड़ जाएंगे। लोगों का अब ये प्रायोरिटी बन रही है कि नेशनल टीम्स के बजाय आईपीएल जाके खेलो। ये आईपीएल की एक सबसे बड़ी चीज जो है वो जो लोगों को अपनी तरफ खींचती है वो ये एक पैसा है, पैसे की ताकत जो है वो अपनी तरफ खींचती है। ऐसी चीज है कि यू नो द बहुत बड़ी लीग है और उसमें बहुत यू नो द ग्लैमर है, बहुत पैसा है, ऑल दिस थिंग, लेकिन हर प्लेयर खेलना चाहता है। आईपीएल की व्यूअरशिप ने तो मेरा सर चकरा के रख दिया यार, इतनी ज्यादा व्यूअरशिप के आपने पूरे पाकिस्तान की पॉपुलेशन को ही लपेट के रख दिया। जब एमएस धोनी और विराट कोहली जैसे दो लेजेंड खेल रहे हो ना भाई, तो ऐसा ही होता है। आप देखें कि जब एमएस धोनी बैटिंग कर रहे थे ना, लास्ट पे जब ऐसा लग रहा था शायद जो है वो एमएस धोनी की टीम ये रन बना ले, क्वालिफाई कर ले, तब जो है वो मैं देख रहा था 48 करोड़ प्लस लोग जो है वो जियो सिनेमा पे लाइव जो है जुड़े हुए थे। और आप स्टार स्पोर्ट्स को तो निकाल ही दें, स्टार स्पोर्ट्स को मिला के बात करें तो शायद, मुझे शायद अंदाजा नहीं है, लेकिन 100 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इस मैच को देखा होगा। लेकिन जियो सिनेमा पे भाई साहब 48 करोड़ लोगों को लाइव देखते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। पहला मैच हमने कहा चले जी ओपनिंग सेरेमनी, क्राउड एंजॉय करने है, फुल आउट मिला। अगले दिन जब मैच हुआ वो था मौलनपुर के अंदर, पहला मैच हो रहा था पंजाब के स्टेडियम में, दिन का मैच था, धूप थी, स्टेडियम फुल। अगला मैच हुआ केकेआर के अंदर 80,000 से 90,000 बंदे की जगह 88,000 समथिंग जो वो नकोनक भरा हुआ, कोई सीट खाली नजर नहीं मैच में, इंटरेस्ट नहीं। आईपीएल में पाकिस्तानी खिलाड़ी जो हैं वो जा नहीं सकते, वहां पर इंडिया के अपने मसाइल हैं, जबकि शाहिद अफरीदी साहब ने तो ये कहा था कि जी हम जाना ही नहीं चाहिए। नहीं, शाहिद अफरीदी साहब ने अब जो बयान दिया था वो ये था कि पाकिस्तानी जो खिलाड़ी हैं वो बहुत बड़ा मिस करते हैं वहां की जो एक जो सीखने का मौका है उसको बड़ा वो मिस करते हैं। दिन में आईपीएल ने जो व्यूअरशिप हासिल की है ना, रिकॉर्ड वाली व्यूअरशिप हासिल की है, पूरे पीएसएल में भी इतनी व्यूअरशिप नहीं है जितनी चाहिए आईपीएल में आ गई है। जियो शर्मा का तो आपको पता होगा 47 करोड़ लोगों ने चाय वाचिंग दी है उधर, मतलब 47 करोड़ जियो सिनेमा के ऊपर लोग आईपीएल देख चुके हैं। एक और भी स्टेडियम दुनिया में बहुत बड़ा है, 90,000 बंदे की जगह है, मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम। मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम में मैंने देखा है जब ऑस्ट्रेलिया खेले तब समझता है फुल होता है, बिग बैश के मैचेस होते हैं जब फाइनल होता है लोग आ जाते हैं कि फाइनल मैच है देखने। कभी ग्रुप स्टेज के मैच के अंदर किसी लीग के ग्रुप स्टेज के मैच में मैंने मेलबर्न के स्टेडियम को फुल नहीं देखा, यहाँ पे एक आईपीएल का छोटा मैच भी तो आपको ऑस्ट्रेलिया फुल मिलेगा। ये खूबसूरती है इंडियन जो है फैंस और इंडियन क्रिकेट की कामयाबी है। इंडियन क्रिकेट की बीसीसीआई जो है ना वो फैसिलिटेट भी बड़ा करता है, क्राउड का लगाव भी देखना अनमैचेबल है, लोग पसंद है क्रिकेट को देखना, वो आते हैं स्टेडियम में देखना, स्टेडियम अच्छे मजा आता है देखने। अच्छा मैं एक और बात, सॉरी आपकी बात सेकंड हो गई, मैं एक और बात नोट कर रहा था, टिकट भी सस्ती नहीं है। जो भी बंदा आईपीएल को लेकर बात करता है उसकी दो ही वजह हो सकती है, या तो आईपीएल को अच्छा समझता है या वो आईपीएल को अच्छा नहीं समझता। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं आईपीएल को सबसे अच्छा समझता हूं, उसकी वजह ये पता है कि आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी लीग है। जो घंटे बकवास करते हैं बैठ के कि आईपीएल कुछ भी नहीं है, आईपीएल भी है, समझ लो कि वो आईपीएल से जेलस हो रहे हैं, उनकी बातों को सीरियस लेने का तुक ही नहीं बनता। मैं अभी भी चल एक बात कहता हूं, मैं आईपीएल को मैच ही नहीं कर रहा, पाकिस्तान सुपर लीग से उसका कोई मैच ही नहीं आईपीएल, वो बहुत हाई चले गए। यानी कि ये मेयार है भाई साहब आईपीएल का, और जो लोग दूसरी लीग्स का आईपीएल के साथ कंपैरिजन करते हैं ना, उन्हें कम से कम समझ आ जाना चाहिए कि आईपीएल किस लेवल पे पहुंच चुकी है भाई। और आप देखें कि हमने पीएसएल को भी देखा, पीएसएल में इतनी ज्यादा व्यूअरशिप नहीं आई है, ठीक है, और मैदान में आके तो मैच देखना दूर की बात है कि 40,000 के स्टेडियम में कराची में टोटल 2,000 से 3,000 लोग जो है आके मैच देख रहे थे। लेकिन आईपीएल 2024 ने सारे रिकॉर्ड्स जो है तोड़ दिए हैं भाई, चाहे वो हाईएस्ट टोटल के हों, चाहे वो हाईएस्ट चेस के हों, चाहे वो सबसे ज्यादा छक्कों के हों, और चाहे वो जो है वो व्यूअरशिप के हों, इनकी कमाल हो गया भाई साहब आईपीएल 2024 में। रात को तो मैं हैरान था यार कि एक एप्लीकेशन के ऊपर सिर्फ जो है 47 करोड़ 48 करोड़ लोग लाइव जो है इस मैच को देख रहे थे। देखिए बिल्कुल, क्योंकि देखिए दुनिया की सबसे बड़ी लीग आईपीएल है, और जो क्रिकेटर्स हैं वो पाकिस्तानी जो क्रिकेटर्स जब से ये आईपीएल में जाना उन्होंने रखना छोड़ दिया है, नहीं जा सकते,
तो पाकिस्तानी जो क्रिकेटर है उसमें बहुत ज्यादा एक महरूमी है, एक इनसिक्योरिटी है, क्योंकि वो वहां पे जितने पैसे प्लेयर्स को मिलते हैं 1.5 मिलियन, जहां जितनी हमारी टीम की फी है उतना एक इंडिविजुअल प्लेयर को पैसा वो देते हैं। तो डेफिनेटली हर प्रोफेशनल चाहेगा कि उसको मैक्सिमम उसको पैसे भी मिले और उसको एक्सपोजर भी मिले। और घंटों बगैर तो कंजरो मुझे बता दो एक चीज, वो जो पीएसएल की बीमारी पड़ी हुई आपको, उसने कितनी को व्यूअरशिप हासिल की है। मैं भी पाकिस्तानी हूँ, हमें भी पता है कोई बंदा पीएसएल में इंटरेस्ट नहीं रखता। और भाईजान टूटे पचे ग्राउंडों में आपने पीएसएल करवानी होती है, फजूल किस्म का क्राउड होता है उधर, भाईजान पिंडी की फ्लैट पीछे बना दो, रन मान जाएंगे लोगों ने तो सीरियस नहीं लिया इस साल पीएसएल को, क्योंकि पीएसएल में तो पता था ये बॉलिंग जो है ऐसे मशहूर होती है या ये है वो है, उधर ढाई सौ पौने 300 रन पड़ रहे हैं, तमाश भी नहीं हो रही है यार। बात पता क्या रहती है, कंपेरिजन ना किया करो, फजूल का कंपेरिजन नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको बात बताता हूँ, आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी आपने देखी होगी, वो आपको उसमें बीट कर चुका हुआ है, व्यूअरशिप में आपको बीट कर चुका हुआ है, प्राइज मनी उनके 20 करोड़ मिलते हैं, वो पाकिस्तानी 65 करोड़ बनते हैं, आपके पीएसएल में 3.5 करोड़ मिलते हैं पाकिस्तानी, इंडियन अगर करूं तो वो लाखों में चले जाएंगे। तो भाईजान फिर क्यों आपके कमेंटेटर उनसे कम पैसे लेते हैं, आपके अंपायर उनसे कम पैसे लेते हैं, वो दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, उनमें सबसे महंगे प्लेयर खेलने जाते हैं, क्यों कंपेरिजन करते हो घंटों, क्यों कंपेरिजन करते हो? वो पीछे घंटा बिठाया हुआ है ना, मुझे बता दो वो कितने का बिकता है पीएसएल में? अब भाईजान 2 करोड़ के पता नहीं कि 1.5 करोड़ का वो पीएसएल में बिकता है। स्मृति मंदाना 3.5 करोड़ की बिकी है यार वुमेन्स प्रीमियर लीग में, वुमेन्स प्रीमियर लीग को तो पहले बीट कर लो, आईपीएल की तरफ बाद में आ जाना। टिकट भी महंगी है यार, ये होना कि टिकट सस्ती है, वो टिकट प्राइस मैं देख रहा था सारी 1500 मिनिमम 1500, उसके बाद 5-6 हजार तक है। बिल्कुल बिल्कुल, फिर भी लोग जो है ना वो जाते हैं ऐसा। या तो भाई आईपीएल का क्राउड साफ सी बात है अनमैचेबल मुकाबला ही नहीं है, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है मुल्तान का जो पहला मैच था वो आउटफुल नहीं था, वहां पे जगह थी, दूसरे मैच में भी जगह खाली थी, तीसरे चौथे पांचवे मैच में मुल्तान में क्राउड फुल हुआ था, लाहौर तो हर मैच फुल था। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और सबसे बड़ी चीज ये होती है कि आपका जो किला बनता है, अब होम मैचेस हो रहे हैं अपनी टीमों के, होम मैचेस हो रहे हैं, आरसीबी अपने होम में खेला, चेन्नई ने अपने होम में खेला, ये काम नहीं है पहले 10 मैच लाहौर में, अगले 10 मैच पिंडी में। अगर मैं क्राउड की बात करूं तो मेरे ख्याल से ये चीज है कि जब वुमेन आईपीएल हुआ था ना, मोस्टली क्राउड आया था, और मेरा ख्याल है कि वो पीएसएल से ज्यादा क्राउड आया था, वो काफी ज्यादा क्राउड आया था, वो आप उसको पीएसएल से कभी कंपेयर नहीं कर सकते, हालांकि वो वुमेन्स लीग थी, तो आप इस हिसाब से लगा लें कि वहां की क्राउड जो है वो क्राउड शो कर, बिल्कुल क्राउड अनमैचेबल से कोई मुकाबला। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों आपने वीडियो देखा होगा, वीडियो में किस प्रकार से पाकिस्तान मीडिया काफी हैरान नजर आ रहा है आईपीएल की शानदार व्यूअरशिप देख करके, वह बोल रहा है कि जियो सिनेमा की इतनी खतरनाक व्यूअरशिप आई कि इसको देखते ही बनता था, वहीं हमारे पीएसएल में तो इस तरह की व्यूअरशिप देखने को ही नहीं मिलती, हमारे यहाँ पीएसएल में तो एक भी कुत्ता भी नजर नहीं आता। दोस्तों आपको बता दें कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच 18 मई को बेंगलुरु के चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम में बेहद रोमांचक मुकाबला खेला गया। क्वालिफिकेशन की दृष्टिकोण से यह मुकाबला बेहद अहम था, जिसे बेंगलुरु ने अपने नाम कर लिया। इस मैच में कई सारे रिकॉर्ड बने और आरसीबी लगातार 6 जीत पर प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर गई। इस दौरान जियो सिनेमा के सारे रिकॉर्ड चकनाचूर हो गए, इस मैच में से पहले किसी भी मैच में इतनी अधिक व्यूअरशिप नहीं आई। बता दें कि आरसीबी और सीएसके के बीच इस मुकाबले में जियो सिनेमा पर 50 करोड़ से अधिक लोगों ने लगातार देखा। इसी को देखकर पाकिस्तान मीडिया में काफ़ी हलचल का माहौल है, वह बोल रहा है कि इस तरह की व्यूअरशिप तो हमने अभी तक नहीं देखी। इसी पे दोस्तों पूरा वीडियो है, अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, धन्यवाद दोस्तों।